तो जी सुबह के बजने वाले हैं 7:30। हाई यू ऑल डूइंग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, बने रहिए, मौजे मौज रोजे रोज करवाएंगे। किचन में क्या हो रहा है दिखाते हैं। सारिका, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हो? कुछ नहीं, आज एक्चुअली ऐसा है मेरा और जयदीप का पैचअप हो गया है। ओह यस। तो आज थोड़ा वीडियो, 2 दिन से आपने मतलब नोटिस किया होगा कि थोड़ा बोबड़ा गया था, थोड़ा बोबड़ा से नहीं, ये तो अठवाडिये से बोबड़ा गया था। लेकिन मुझे अब पता चला लेकिन जयदीप सुधरेंगे नहीं, मतलब नहीं। तो मैंने सोचा चलो ये तो सुधरने वाले है नहीं, मैं थोड़ी घनी सुधर जाती हूँ। आप गैस करो किस बात पे झगड़ा हुआ होगा और किस बात से पैचअप हुआ होगा। इस झगड़े में मैंने नाचोस भी बनाए। एनीवे आज के वीडियो के बारे में बता देते हैं। वाड़ी पे जा रहे हैं, फार्म पे जा रहे हैं। 6 पाव लेने के, वड़ा पाव। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? बढ़िया है। किसी ने कमेंट किया था स्टोर रूम दिखा दो, हमारे घर में बना रहे हैं। भाई स्टोर रूम में इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, देख सकते हो आप। 3 लेयर बनाए हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है पापा, सुविचार बता दो। सुविचार आने के बाद ओके, वी विल वेट। तो हम लोग जा रहे हैं हेजल्स फार्म। ठीक है, बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। इधर वड़ा पाव के लिए बटके बफा गए हैं। अच्छा, दोपहर का मेन्यू है वड़ा पाव, बटाका वड़ा और मकाई का भजिया। वाह, ओ माय गॉड, प्रो लेवल का लंच होने वाला है। और मैं बहुत जल्दी जग चुका हूँ, कुछ भी फ्रेशन अप हुआ नहीं हूँ। तो अभी फ्रेशन अप होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप, जयदीप को एहसास हुआ है कि वो हेल्प नहीं करते, तो आज पूरी वो हेल्प करेंगे। मैंने ऐसा सोचा है, देखते हैं क्या करते हैं हम। ठीक है चलो। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो वाड़ी पे जाके हम बताएंगे, क्योंकि हम घर से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, वाड़ी से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे हम लोग। ओके, तो ये सब अभी जो दिखाया बी रोल में वो सब वाड़ी पे जाएगा हमारे साथ। पापा आ चुके होंगे तो पापा के सुविचार लेते हैं। पापा हाय हाय, आ जाओ इधर, लाइट में आ जाओ, लाइट में आ जाओ। हाँ, सुविचार बोल दो। आज आपका स्वयं की खोज के लिए, हाँ, स्वयं के प्रति, हाँ, सच्चा बनना पड़े। ओहो, ओके, वेरी गुड, जोरदार। तो जी दिन की शुरुआत तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से लेट हो जाने वाला है, क्योंकि मैं इधर बाहर बैठा था थोड़ी देर से। अच्छा, श्वास की क्रिया लिए, पर पापा इधर आया है तो सुविचार का मीनिंग मेरे को नहीं पता चला, तो मैं पापा को पूछना था। पापा सुविचार का मीनिंग बताओ। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, रियलाइजेशन कि आप क्या है। ठीक है, आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छा सुविचार है। पर मैं ऐसा लग रहा है बहुत लेट हो गया, वो भी फटाफट भागता हूँ। तो जी गाड़ी रेडी हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 9, लेट हो चुके हैं हम लोग। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। हेजल ऑलरेडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हेजल, गुड मॉर्निंग बेटा। ते केवा कपड़ा पहरा छे? वेरी गुड। कयो कलर नो टी-शर्ट छे? चनिया चोली पहरी। चनिया चोली नथी, टी-शर्ट छे। तारो तारक कया कलर नो टी-शर्ट छे? पिंक कलर नो। वेरी गुड। हेजल આપણે વાડીએ શું કરવાનું બેટા? मचाएंगे। इसको भी पता चल गया मचाने का इधर। ठीक है, केजीएफ रेडी हो गया। केजीएफ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नया लिवाइस का टी शर्ट डालेला है, ओरिजिनल, नया नहीं है, पुराना ही है, पुराना ही है। गाड़ी में चमचा मुकी दो। हां चमचा मुकी दे, આપણે બાને લઈ જવાના છે। हां तो जी जब तक मम्मी ऊपर से नीचे आती है तब तक देख लो आप हमारी भिंडी के नज़ारे। बहुत अच्छी छोटी-छोटी भिंडी आने लगी है। और पापा मुझे कुछ बोल रहे थे, पापा क्या बता रहे थे? हाँ, वो जो एक साहब ने बोला था कि नींबू अभी नहीं आया है, तो हमको बताओ। पत्ते तो आने लगे हैं, पर नींबू तो नहीं आ रहा है, नींबू नहीं आया है। अड़ोदरा बालकृष्ण है, हाँ। वो एग्रीकल्चर में कुछ किया हुआ है, हाँ। वो साहब बोल रहा था कि नींबू का मेरे को बताइए, हाँ। क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस तो यार ये हो रहा है, कुकड़ गया है, और कुकड़ने के बाद अभी नींबू आ नहीं रहा है, और ऐसा दिख रहा है हमारा नींबू, बाकी सब चीज आ रहा है। अच्छा ये देख सकते हो आप, हाँ। पूरा भरपूर। मम्मी गुड मॉर्निंग। मम्मी गुड मॉर्निंग। नहीं मम्मी आज मम्मी का अच्छे थोड़ा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि सब लोग उठ के ऐसे आटा विटा मार रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मम्मी का थोड़ा मूड डाइवर्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। ग्रीन साड़ी में हमारी मम्मी रेडी हो चुकी है, ग्रीन साड़ी। मम्मी कुछ भूल गए हैं? मम्मी चश्मा, चश्मा, चश्मा तो चाहिए। पापा देखो, ओह हाँ रेडी लेवी पड़े। ओके भूल गए थे शूज, तो ये लेने गई थी। ठीक है, हमारे पापा का कैसा है, लेट होता है ना वो नहीं चलता है, पापा को टाइम टू टाइम परफेक्ट चाहिए। अभी हुआ ये कि 2-3 चीजें लेने में वो हो गया, तो देखो पापा भी आए डायलॉग मारेंगे। પપ્પા રેડી બધું ઓકે બધું કાઈ ભૂલાતું નથી ને? માસ્ક લીધું તારે જોવાનું, મારું બધું લેવાઈ ગયું, ભૂલાતું નથી, એ બધું તમારે જોવાનું। આ લેપટોપ પડ્યું હાલ હવે તેલની બોણી લીધી, હા બસ ઈ હવે જોઈ કે ભજીયા તળશું હે ભાઈ, ભજીયા તળશું બધું બધું લીધું તો હું બધું લીધું। આ ચાર્જર ન્યા છે જોતો? નહીં ચાર્જર નથી, વાયર ક્યાં ગયો મારો? તમે ઘરે ભૂલે માર ફોન તો નથી લીધો? તાર ફોન ને શું કરવાનું મમ્મી? લે જોઈ ખરો ને, તમે ઘરે પાવર બેંક તો છે મમ્મી, હમણાં તમારું થઈ જાય કે તમે ઘરે ભૂલી ગયા? ચાર્જર તો લીધું જ હોય ને, પાવર લેપટોપ નું ચાર્જર તો લીધું જ હોય, ફોન નથી। જા લઈએ કોક જાવન વાળે, હા હું જાવ છું, લાવ લાવ ચાવી। તો આખો ગામ લઈને આવી, આખો ગામ લઈને આવી, આખો લઈને આ પણ એને પછી તમે ક્યાં નહોતો તો આ લાવવાનો। फाइनली निकल चुके हैं बहुत ज्यादा लेट होते हुए, वैसे ही संडे का माहौल है तो लेट तो चल जाएगा, वैसे टेंशन तो ज्यादा है नहीं। तो जी स्टॉप कर दिया है बहुत ही बढ़िया लोकेशन में, इधर हमको मिल गया है तालाब, पापा ने स्टॉप करवाया, पापा एक नए रास्ते में लेके आए हैं, और ये रास्ता नया बनते ही सारिका ने एक डायलॉग मारा है। सारिका आप क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहती थी कि भूपेंद्र पटेल को आने का 2 दिन भी नहीं हुआ और रास्ते कितने अच्छे हो गए। ये देखो इतने बढ़िया रास्ते हो गए हैं, थैंक यू भूपेंद्र पटेल। और केजीएफ देखो ड्रोन का वेट कर रहा है, पापा ड्रोन उड़ा दो, उड़ा दो। कुआड़िया मतलब क्या? कुआड़िया ये औषधि है, हाँ। उनको इतनी इतनी सींगे आती है, हाँ। वो आयुर्वेद के लिए बहुत बढ़िया है, आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा है, इसको, हाँ। कुआड़िया बोलते हैं, हाँ। और ये रोग मिटा देती है, रोग मिटा देती है, और ये मुझे लगता है मानसून में ही आती है, हाँ मानसून में आता है। वेरी गुड वेरी गुड, कुआड़िया कुआड़िया। ठीक है हो चुका है ड्रोन रेडी, મને ઉડાવા દે ને લાવ। નહીં નહીં ઉભરે બે મિનિટ, અરે બે મિનિટ પહેલા ઉપર ચડ, ઉપર અરે અહીંથી પહેલા ઉપર ચડ દે પછી આપું। અરે મને ચડાવા દો પછી હું તમને આપી દઈશ। ભાઈ વાયર છે પણ બહુ નજીક, તો વાયર ની અંદર આ બે વાયર છે ને એને વચ્ચેથી ઉડાવો। સાતિક ભાઈ વાયર દિખા દો આપ, મને ઉડાડવાનું છે તું નાખી દો અંદર રાખી। ઓકે इधर से दिख रहा है। હું કે અંદર ઘુસાઈ દો છે અંદર। તો सारिका तेरे को उड़ाने का सिखाता हूँ, आना थी आम थाय अने आन थी आखो ड्रोन आम साइड ऊपर जाए, जो ऊपर जो ड्रोन ने जो आगे इससे आगे होता है एयर यू। हाँ मैं जो रू ड्रोन देखा नहीं देखा, इसमें देखो इसमें ऊपर नहीं टच होगा, इसमें देखने का, हाँ देख आगे आ रहा है। वेरी गुड, वाह ये शॉट सारिका का है, ये शॉट रखेगा, धीरे धीरे आगे आ रहा है, सारिका ने एंगल बनाया है। હવે કેમેરાને નીચે કરવાનો, કેમેરાને અહીંયાથી આંગળીથી કેમેરો નીચે થાય, એટલું બધું નહીં દબાઈ દેવાનું, આખો કેમેરો હલી જાય એટલું બધું નહીં કરી દેવાનું। જલ્દી લા જલ્દી જલ્દી જલ્દી, આ બોર્ડ આવ્યા મસ્ત આવી જાય। अंदर से बैठे बैठे ड्रोन उड़ा रहे हैं और पापा आगे बैठे हैं। पापा हमारी वाड़ी का एड्रेस पूरा आप बता दो। वालिया तालुका में कदवाली के पास हमारी वाड़ी आई है। ओके। सूरत से 75 किलोमीटर है। ओके। आहिस्ते आहिस्ते चलाएंगे अभी। तो पापा बोलिए, ये जो हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं राइट साइड, हाँ जी, क्या बोया है? ये शुगर केन बोया है। शुगर केन है, हाँ जी। ओके, तो ये राइट साइड आप शुगर केन देख सकते हो, एकदम चकाचक से एक मस्त बर्ड उड़ के गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। काका और पापा, हाँ जी। अभी ये कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग? हमारे राइट साइड क्या आया है? ये राइट साइड में सोयाबीन आ रहा है। सोयाबीन आ रहा है, ये देख सकते हो आप लोग, सोयाबीन की कलर एकदम जबरदस्त दिखते हुए। और ये है हमारा घर, अगर आप दूर से देखोगे तो ये है हमारा बंगलो जो पापा ने बहुत मेहनत से बनाया है। एकदम साउथ के मूवी के स्टाइल में एंट्री लेंगे हम लोग। ये ब्रो, लुक एट दैट। I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks, and I feel misplaced without you. Why don't we? तो जी पहुंच चुके हैं हम लोग हमारे फार्म पे। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो 3 महीने पहले हम लोग इधर आए थे, बराबर है। तब इतना ग्रीनरी नहीं था, तब कुछ ज़्यादा बोया नहीं था। तो अभी का अपडेट क्या है वाड़ी का? ये सोयाबीन बड़े हो गए हैं। सोयाबीन बड़े हो गए हैं। शुगर केन बड़े हो गए हैं। शुगर केन बड़े हो गए हैं। ये सब्जी सब अगल बगल में सब्जी सब बड़ा हो गया। हम लोग तो ज़्यादा बारिश के लिए आए थे, पर बारिश तो इधर मिला नहीं। 3 महीने पहले मैंने बोला था कि बारिश होगा नेक्स्ट वीडियो में, पर अनलकी वी डोंट हैव द बारिश टुडे, बट वी विल वेट फॉर द बारिश। अगर हुआ तो वी विल लकी, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चालू करते हैं। तो क्या जाए छे बेटा? आ मुकवा जा। ये मुकवा जाए छे ने एमा શું છે? ચણાનો લોટ। ચણાનો લોટ। ઓકે, હેઝલ તો इधर आके कामकाज में चालू ही हो गई है। तो जी फार्म पे पहुंचते ही गर्मा गर्म भजिया चालू हो गया है इधर। और इधर भजिया बनाते बनाते मैं इन लोगों को सुनाऊंगा इसमें भजन या फिर कोई भी अच्छे सॉन्ग जो मैंने खरीदा था ऑनलाइन। जैसे आपको पता है कि हम लोग शॉपिंग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसमें भी स्मार्ट शॉपिंग बहुत करते हैं। अजियो है, मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, बहुत सारी वेबसाइट है, पर हम लोग डायरेक्ट उसमें जाकर शॉपिंग करने से अलावा एक और इंडिया का बिगेस्ट कैशबैक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैशकरो। तो हम लोग कैशकरो में डायरेक्ट जाके शॉपिंग करते हैं, तो स्मार्ट शॉपिंग हो जाता है, कैशबैक रिवॉर्ड अच्छा अच्छा मिलता है, जो है ना अपना रतन टाटा जी फंड करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा कैशकरो में से, तो इसका प्राइस है 4499 जो MRP है, पर मुझे ये पड़ा था अराउंड 2500 में। डिस्काउंट अच्छा मिलता है, वैसे भी फेस्टिवल का सीजन चालू होने वाला है। तो यार कैशकरो में 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट है जिसमें आप डिस्काउंट ले सकते हो। पहले तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो डाउनलोड कर लो उसमें से जाके, ठीक है। आप ऐप स्टोर में या फिर किसी में भी आपके जो प्ले स्टोर होता है उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद साइन इन करते ही आप लोग को मिल जाएगा 25 रुपये इंस्टेंट कैशबैक। तो उसके बाद सर्च में जाके लिखो अमेजॉन। अमेजॉन में जाके आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है वो लेने के लिए उसके पहले आपको रिवॉर्ड पे क्लिक करना होगा, तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, कैशबैक का रिवॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और रिवॉर्ड एक्टिवेट होने के बाद आप कोई भी आपका प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे ये हेडफोन चूज़ किया है, तो ये हेडफोन चूज़ करके आप बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपको प्रोसीड टू बाय करके आपको जो अर्निंग्स होगा उसमें जाना होगा, और उसके अंदर आपको जो रिवॉर्ड दिखेगा वो आप पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये है कैशकरो का प्रोसेस। तो एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कैशकरो में जिसमें आप रिफर एंड अर्न कर सकते हो, और मतलब आप कुछ कमा भी सकते हो इससे। तो नीचे जो बटन है उस पर क्लिक करो और उसके ऊपर जो लिंक दिया हुआ है उसको कॉपी करो और व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड लोगों को या फिर ग्रुप में शेयर करो। और आपको कितना भी रिफरल, जितने रिफरल ज़्यादा होंगे उतना अर्निंग ज़्यादा होगा। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके अभी के अभी डाउनलोड कर लो कैशकरो, और 25 रुपये इंस्टेंटली ले लो, या फिर अपने ऐप स्टोर या फिर गूगल स्टोर में जाके डाउनलोड करो एप्लीकेशन, और ये जो कोड दिया हुआ है वो कोड यूज़ करके अपने 25 रुपये ले लो। और गिव अवे भी होने वाला है, ठीक है। कोई भी 3 लकी विनर्स को मिलेगा 1000 रुपीज़ का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर। तो उसका भी सब डिटेल्स डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लो, कैश करो मौज करो। तो जी भजिया पार्टी, वड़ा पाव पार्टी चालू हो चुकी है, और मम्मी को भजन का बहुत इंटरेस्ट हुआ है ऐसा लग रहा है। मम्मी गाने का चालू कर दो, अभी मिस कर रहा हूँ भजन, गाओ चलो अच्छा वाला। हालने का नावाड़िए जाई, वाड़ी मातो शेरडी भावी, ठंडो ठंडो रस पीशू रे, वाड़िए जईने वड़ा पाव खाचू, वड़ा रे वाड़िए जईने, हालने काना वाड़िए जाइए, गरम गरम वड़ा पाव खाशू रे वाड़िए जईने। इधर देखो वाणी मा तो सिंग वावी गरम गरम ओला कसूरे वाड़िए जईने हालने कना वाड़िए जाए आयो कानो आयो पापा इधर पापा को देखो ओ माय गॉड पापा केम छे भजिया जोरदार जोरदार मौजा मौज ये देखो हाँ नोवेल्टी है बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव है वड़ा नहीं डाला है भजिया डाल दिया मसाला डाल दिया और फ्राई कर दिया वाह वड़ा पाव के साथ जलेबी ओ हो मौज वाड़ी नी मौज समझा जलसा ज करवाना संडे वसूल जम्मा जम्मा ये सारी काका नया एक रेसिपी जा रहा है पूरा मतलब पाव ही अंदर डुबो दिया है ओ माय गॉड सारिका ये तो कुछ अलग ही प्रकार का तूने बना Oh my God. जो बॉम्बे में प्रख्यात है वड़ा पाव लेकिन यहाँ पे ये प्रख्यात होने वाला है जल्दी ही बहुत जल्दी होने वाला है। तो जी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, बारिश चालू हो चुका है, खाना तो ऑलमोस्ट हमने तो खत्म कर लिया है, सारिका तो अभी भी बना रही है। हमने इधर से उधर तक जो किचन था वो चेंज किया बिकॉज हवा का प्रमाण थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। हमको बहुत ज्यादा मजा आ गया है, अभी जो सोने की मजा आएगी ना वो तो भाई आपको क्या ही बताए। ओहो ब्यूटीफुल विजुअल्स ऑफ रेन एट आवर फार्म। और गैया को तो मज़ा ही आ गया होगा क्योंकि ठंडक ही मिल गया होगा पूरा। केजीएफ वॉकिंग करते हुए पचाते हुए भजिया और वड़ा पाव, और वो मेरा जगह है उधर नहीं बैठने का प्लीज़, वो मेरा फेवरेट है यार प्लीज़ हार्दिक ये हूँ करे यार मन हुआ दिन यार। रोड ऑलमोस्ट गीले हो चुके हैं और चकलियाँ बैठ चुकी है पोजिशन लेके बारिश एंजॉय करने के मूड में, और इधर भजिया उड़ रहा है। भजिया कैसा लगा? सारिका के मैगी खड़ी हो गई है मम्मी, मजा आई गई ना? मम्मी को तो ऐसा मकान ना भजिया बहु भावे मम्मी ने बधु बहु भावे, भजिया नी आइटम बधी ज भावे मम्मी ने, भजिया ने बधी ना भावे मन मकान ना वधारे भावे। ओके सासू वहू नो प्रेम जोई लो तमे खाली, बहु भावे मम्मी ने सारिका बनावेली बधी तैयार मळक वात नो भावे। तो जी पापा के बनाए हुए ऊंचे वाले खाटले में हेजू और केजीएफ मचा रहे ले देखो डगला। तो जी आप लोगों कमेंट करो ये खाटला कैसा लगा, पापा का इंजीनियरिंग है, इसके ऊपर सोते ही सब कुछ पूरा फार्म दिखता है 360 डिग्री में। और हेजल इधर मचाते हुए काकू के साथ आइजा 1 2 3 टिच बाय बाय गुड नाइट डूंडाई। तो हमने ढूंढ निकाला है वाहड़ा जो बहुत ही बड़ा वाला है वाहड़ा, कोई भी तूफान करे तो ऐसे तो सास को भी मारती है न्याय क्या ही नाचता है जैसे आगल नो कड़ू है न्याय नाखो तो चाहे चढ़वा आपने माथे आवे क्या मंगी जाके भजिया खकड़ता था पहले न्या खकड़ा था उधर देखो हमारा भजिया उधर बटाटा वड़ा और इधर देखो मैगी। I still see your silhouette. Why don't we go back to your bed? तो ये है सनसेट के विजुअल्स, बहुत ही अच्छा ड्रोन उड़ाया इधर मैंने, उधर हमने डांस वाला सीक्वेंस किया। अभी भी इन लोग को इधर से हिलने का मन नहीं हो रहा है। मम्मी क्या प्रोग्राम है अभी? रात का खाना खा के ही जाना है हमें, इतना ज्यादा मेरे से सहन शक्ति नहीं होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंडिया माते वाडे आवे जाओ। चलो तो केजीएफ कैसा रहा? मस्त, बढ़िया, एकदम मजा आ गया। पापा हाँ, क्या किया आपने आज? इतना पसीना कैसे हो गया आपको? अरे खेत में चारों ओर नंगे पाँव गया। ओके। और छोटे छोटे घास है निकाल दिया सरस और पैदल चल के आया मैं। बहुत फाइन, मजा आ गई तो हाँ मजा आ गया। ठीक है ठीक है, चलो तो फिर कल का जवाब हम कल के वीडियो में देंगे ऐसा लग रहा है। ओके, क्योंकि अभी पापा है ना वो जो जवाब और जो जिन्होंने सच्चा जवाब लिखा था वो सही जवाब लिखा था वो जो बुक है ना वो बुक घर पे भूल गए हैं, तो कल हम उसका आंसर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और मचाते रहो। वाड़ी का वीडियो कैसा लगा वो लिखना जरूर, कमेंट करना, मेरे पापा सब कमेंट पढ़ेंगे। और आपको वाड़ी के विषय कुछ नई जानकारी मिली हो तो भी डालना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए अंदाज के साथ, नया कंटेंट के साथ। बाय बाय।